नवागढ़ में आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की मांग। कांग्रेस के प्रदेश सचिव इंजीनियर रवि पांडे ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नवागढ़ में आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय नहीं है और जिले से अभी भेजे गए 8 स्कूलों के प्रस्ताव में भी नवागढ़ का नाम नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव इंजीनियर रवि पांडे ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है और नवागढ़ में भी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजने की मांग की है। इस पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने उचित पहल की बात कही है। आपको बता दें, जिले से अभी 8 जगहों में नए आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसमें ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ का नाम नहीं है, जबकि आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के लिए ब्लॉक मुख्यालय प्राथमिकता में है, फिर भी नवागढ़ का प्रस्ताव नहीं गया है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव इंजीनियर रवि पांडे ने कलेक्टर के संज्ञान में लाया है, जिस पर उन्होंने उचित पहल करने की बात कही है। शासन की मंशा है, उनका निर्देश भी है कि ब्लॉक मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। अभी कलेक्ट्रेट से प्रस्ताव गया है आठ जगहों का, जिसमें नवागढ़ किसी कारण से छूट गया था। मैंने सर से निवेदन किया कि नवागढ़ चूँकि ब्लॉक मुख्यालय है और जांजगीर से लगभग उसकी दूरी 35-36 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ के छात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। क्यों ना अभी जो प्रस्ताव भेजा गया है उसी प्रस्ताव में नवागढ़ का भी नाम जोड़ के भेजा जाए। सर ने आश्वासन किया है कि इसको उस प्रकरण में जोड़ के भेजा जाएगा। शासन की जो मंशा है कि जो गरीब बच्चे हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश मीडियम, सुसज्जित इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्ययन का अवसर मिले, तो निश्चित रूप से यदि नवागढ़ में ब्लॉक मुख्यालय में यदि ये स्कूल खुलता है तो आने वाले समय में बच्चों को उसका फ़ायदा होगा।